हाय वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल मैं हूँ शताई को मेरे साथ हैं मैं हूँ फैसल हरल और बात होने लगी है जियो पॉलिटिक्स की एग्जैक्टली exactly. और काफी लोगों को ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है हमने हाँ। ना काफी इसको वो भी हम इसीलिए गए थे देखो ये देखो उर्फी का शो देखो हर्ष का शो देखो अक्षय का शो देखो तो मतलब हमें सजेशन आती थी और हम वर्क करते थे सजेशन पे लेकिन फिर हमने नोट किया की हम जब जियो पॉलिटिक्स करते थे तो लोगों के कॉमेंट्स भी अच्छे आते थे लाइक वो उनको तो अच्छा लगता है कुछ लोगों का ये इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन हमे, हमें हम इंटरेस्ट है हम समझ गए हैं कि हर चीज को थोड़ा-थोड़ा लेकर चलना है पॉलिटिक्स को भी कॉमेडी को भी इसका पार्ट होना चाहिए हर चीज को हम थोड़ा-थोड़ा लेकर चलेंगे ट्रेंडिंग को भी लेकर चलेंगे आज की क्या वीडियो है हमारे पास हमारे पास वीडियो है सर पर धवन की ट्रंप ट्रम्प्स वीडियो ऑन पीएम मोदी वायरल अच्छा ये मैंने दो तीन क्लिप्स देखे हैं लेकिन आई डोंट नो कि ये किस बारे में था इंस्टाग्राम एनी कंट्री थ्रेट इंडिया किसने थ्रेट कर दिया <laughs> इंडिया इंडिया दुनिया की बात चल रही है और बात क्या होगी ये तो हमें डिटेल में डिटेल बड़ा पता इजी पता चल जाता है क्योंकि तो सर प्रशांत धवन का मैं तो फैन हूँ जिस तरह वो डिस्क्राइब करते हैं जिस तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं अच्छा मुझे लगता है इनको मोटिवेशनल स्पीकर भी होना, होना चाहिए थाना? होना चाहिए होना चाहिए लाजी और मतलब कि बड़े आठ नौ मिनट के अंदर ना सारी बात क्लियर कर देते Excel. हैं मतलब कोई इतनी लंबी चौड़ी और कोई क्वेश्चन भी, भी नहीं बचता कि ये ये क्यों हुआ था ये हाँ। क्यों हुआ था वो पूरा और रेफरेंस के साथ ले आते हैं हाँ। विद विद वेबसाइट्स का स्क्रीन शॉट वगैरह ये तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिलते हैं वीडियो के बाद स्किप नहीं करना नमस्कार नहीं वेलकम स्टडिया की मैं प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो वायरल हो चुकी है जहां पर ट्रंप बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ट्रम्प ये कहते हैं कि दूर से आप अगर देखो मोदी जी को तो एक फादर फिगर लगते हैं मगर आप अगर उनके एक्शन देखोगे जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है इंडिया की सेफ्टी की बात आती है ही इज ए टोटल किलर और इन्होंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था ना जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके बाद हम जानेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब रैंडमली कह दिया है या फिर इसके पीछे भी एक डीपर यूएस पॉलिटिक्स है इलेक्शन रिलेटेड बहुत हाँ। कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा मगर सबसे पहले देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो वीडियो ना जो वीडियो आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये यूएसए के एक पॉडकास्ट की है फ्लैग्रेंट नाम का पॉडकास्ट है पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से ट्रंप एक के बाद एक करके पॉडकास्ट कर रहे हैं कि जो रोगन के पॉडकास्ट में भी आए दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल मगर इस पॉडकास्ट में यहां पर जो होस्ट है ये इनसे पूछता है कि आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के 2016 से 2020 तक उस वक्त जब आप वर्ल्ड लीडर से मिले तो क्या सारे के सारे वो बस शार्क लोग होते हैं बहुत किलर टाइप के लोग होते हैं उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है तो उसके जवाब में ट्रम्प ने ये कहा We

uh, were talking. I did. They did We a thing called Howdy Modi. And ना पहले ये बात करते हैं हाउडी मोदी इवेंट की कि हाउडी मोदी इवेंट में पी एम मोदी यूएस आए उसके बाद पाकिस्तान का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि पीएम मोदी को एक कंट्री के लोगों से प्रॉब्लम आ रही थी वो लोग काफ़ी थ्रेटन कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे तो ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा कि मोदी जी आप इसमें मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए मैं इन लोगों को जानता हूं मैं संभाल लूंगा और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने ये कहा No, I will handle it. But we have a very good relationship. Yes, okay, He's okay, the no. nicest But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I okay. said, yeah. let me help. I'm very good with those people. Yeah, China, let me help. I will do it.

और मैं अकेले पाकिस्तान से डील करूंगा mm. अब यहां पे आप अगर यह सोच रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब रैंडमली बोल दिया ऐसे ही नहीं इसके पीछे देखिए पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है दिखे है यूएस आज के समय कमला हैरिस पे आरोप यह लगाए जा रहे हैं प्राइमरली यूएस बेस्ड हिंदू ग्रुप्स द्वारा कि इनके बहुत ज्यादा डीप कनेक्शंस हैं आसिफ महमूद के साथ इधर आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आपको आर्टिकल दिख जाएगा यूएस बेस्ड ग्रुप है इसने रिसेंटली चैलेंज किया है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ओवर टाइज विद एंटी इंडिया आसिफ महमूद देखिए कमला हैरिस का आप अगर कैंपेन देखोगे तो कमला हैरिस इसराइल के समर्थन में बहुत कम बोलती हैं कमला हैरिस के कैंपेन में कई प्रो पाकिस्तानी लोग आपको मिलेंगे और उनमें से एक है आसिफ महमूद आसिफ महमूद एक पाकिस्तानी अमेरिकन है ये मेंबर है ऑफ द यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और ये कई बार इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट कर चुके हैं पर्टिकुलरली कश्मीर के इशू को लेकर तो जब कमला हैरिस ने रिसेंटली एक्स डॉट कॉम या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए वहां पर यह कहा कि देखिए आसिफ महमूद ने बहुत अच्छा काम किया है लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया है इनके कैंपेन को एंड ही हैज़ बीन सपोर्टिंग मी फॉर सो मेनी इयर्स जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूं तो ये उन पहले कुछ लोगों में से थे जिनको सबसे पहले कमला हरिस ने कॉल किया तो क्वेश्चन यहाँ पर यही रेस किया जा रहा है कि क्या कमला हरिस की टीम में या फिर इनके कैंपेन में काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रो इंडिया नहीं है एक्चुअली उनका स्टांस एंटी इंडिया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर देखा कि एक इशू डेवलप हो रहा है इन द इंडियन कम्युनिटी यूएस इंडियन कम्युनिटी साइज में बहुत छोटी है बट वो वोट करते हैं और उनके पास पैसा भी है दे हैव स्पेंडिंग पावर एज वेल तो जहां पर एक तरफ आप कह सकते हैं कमला हैरिस जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनके वोट्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है yeah. डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर डायरेक्टली मोदी जी का मेंशन करके आप कह सकते हैं एक काफ़ी प्रो इंडिया स्टांस रखा है हालांकि कमला हैरिस को आप अगर देखो तो ये भी वो काफी बार दोहराती हैं कि इनकी इंडियन रूट्स हैं ये आ, इंडियन ओरिजिन की हैं तो इसलिए इंडियन कम्युनिटी को इनको सपोर्ट करना चाहिए ये बहुत सारे शोज में भी आ चुकी हैं जहाँ पे इंडियंस हैं बट एट द सेम टाइम ये पाकिस्तानी अमेरिकन वोट जो है इनको भी कैटर करना चाहती है और फिर देखिए मिडल ईस्ट से जो बहुत सारे लोग आज के समय यूएस में हैं यूएस सिटीजन बन चुके हैं वोट करने वाले हैं इस इलेक्शन में उनके वोट्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए कमला हैरिस ने अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू को एक क्लोज एलाई नहीं बुलाया है इसराइल के इशू को लेकर कमला हैरिस आप कह लीजिए बहुत डिफेंसिव the... हो जाती Israel. है क्योंकि चाहती नहीं है कि वोटर बेस इनका नाराज हो जाए दूसरी तरफ आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकन ज्यूज है So here is my commitment to you on the solemn date. I will not allow the Jewish state to be threatened with destruction. I will not allow another holocaust of the Jewish people. I will not allow a jihad to be waged on America or our allies. And I will support Israel's right to win its war on terror. And it has to win it fast. And no matter what happens, it has to go fast. तो यहाँ पर देखिए बहुत डीप लेवल की जियो पॉलिटिक्स हो रही है डोनाल्ड ट्रंप लेवल की टोटल कमिटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण समर्पण यहाँ पर दे रहा इसराइल की रक्षा करूंगा और जियो स्टेट का कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा जो यूएस के एलाइज हैं उनको भी, भी, भी बचाऊंगा जिहाद का भी, भी पर नाम ले लिया है तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग दिशा में जा रहे हैं कमला <laughs> कमल <हैं>। अलग दिशा <laughs> में जा रही है एंड देखना होगा इवेंचुअली इलेक्शन में होता क्या है अभी के लिए मैं hmm. कहूंगा बहुत ज्यादा पोलराइज बटे हुए इलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं एंड अभी जो ये स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने जहां पर बिना पाकिस्तान का नाम लिए बहुत कुछ बोल दिया हाँ। इंडिया के पीएम के बारे में कह दिया कि कैसे मैं उनके सपोर्ट में आ गया था ये भी बहुत ज्यादा एक कैलकुलेटेड हाँ। स्टेटमेंट है ट्रंप एक बहुत ही है, बहुत ही ही श्रूड इंसान है है क्लेवर पॉलिटिशियन तो ये स्टेटमेंट इनकी रैंडमली नहीं है बट एट द सेम टाइम इससे हमको इंसाइट मिलती है कि पीएम मोदी ने भी किस तरीके से पाकिस्तान की प्रॉब्लम को टैकल किया था तो अभी देखिए यूएस इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी कुछ मेजर अपडेट आती है तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है आई बी एस ए एम आर एट्थ इसका एट्थ एडिशन स्टार्ट हो चुका है इंडिया ने आई एन एस तलवार भेजी है इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बताना है कि यह युद्ध अभ्यास कहाँ पर हो रहा है जहाँ पर इंडियन नेवी ने आई एन एस तलवार को भेजा है इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन साउथ अफ्रीका ब्राजील इटली या फिर यूएसए कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ड बर... दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि पाएं सही उत्तर क्या है और, और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत <फ़़़़़़़़ा> हाँ जी ट्रंप ने जो मोदी की तारीफ की है तारीफ तो ठीक ही है बट अपनी पॉलिटिक्स के लिए अपनी पॉलिटिक्स के लिए अपने फायदे के लिए किया और किस तरह से मैं ये देखती थी, थी कि किस तरह से उसने मतलब एक ही बात में पाकिस्तान को कैसे टच किया लाइक पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दिया नाम और भी नहीं लिया नाम भी नहीं लिया अच्छा हम लोग कंफ्यूज है वो पाकिस्तान है या चाइना ले इन दोनों में से कोई एक है लेकिन मुझे मुझे भी लग रहा है पाकिस्तान की बात कर रहे हैं चाइना की बात वो इस तरह नहीं कर सकते उससे वो डरते हैं डरता है चाइना चाइना सुपर पावर होगा बट एग्जैक्टली चाइना ऐसी पावर है उससे हर कोई डरता

हाँ, चाइना मतलब हाँ, क्योंकि थे वो... ये एक ते... ना बड़ा अच्छा कंपटीशन हाँ, दिखेगा और मतलब वो मतलब दूसरे देख रहे हैं कंट्रीज यूएसए और वेस्ट वगैरह वे देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना की क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो मतलब वो ढके झुके लफ्जों में अब बात हुई है मुझे तो जहाँ तक लगता है पाकिस्तान की ही है अगर आगे पढ़ लेकिन अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो ये बात तो सच है कि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए काम अपने करते लोगों हैं के लिए लाइक फादर और कोई भी प्रेसिडेंट हो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जब उसको कोई कहेगा कि फलाना आपको ये कह रहा है तो यही कहेगा की मैं अपनी कंट्री के लिए दूसरे को देख लूंगा खुद हैंडल करूंगा ऑब्वियसली लेकिन यहाँ पे थोड़ी सा मसला है क्या और वो मसला है की हम कहते हैं कि आप हैंडल करें हम वो कहते हैं कि हम कर लेंगे यहाँ पे इतना थोड़ा सा चेंज आ रहा है हम कह देते हैं कि ठीक है बड़े भैया आप और ये मैं भी चाहता हूं कि मेरी कंट्री वाले भी कहें कि यार अगर इकोनॉमी को ठीक करना तो हम ठीक कर लेंगे अगर हमने एजुकेशन सेक्टर को ठीक करना तो हम ठीक है लेकिन फैसल आप देखे ना हमारी कंट्री में अभी क्या हो रहा है मतलब हमारे आपसी हालात ही नहीं ठीक हो रहा है क्या हो रहा है यही सवाल है समझ नहीं आ रही क्या, क्या हो, हो रहा है हाँ समझ ही नहीं आ रही मतलब अफसोस हो रहा है मुझे एक तो अफसोस हो रहा है एक गवर्नमेंट आती है थोड़ी तो सी है। सेट होती है ओपोजिशन आके मतलब फिर वो कभी चले है। जाते हैं कभी वो आ जाते हैं बस है। ये चल रहा है एक दूसरे के साथ घिनिया मुश्ती खेल तो रहे हैं अब عوام बेचारी रुल गई है पेट्रोल बिजली महंगाई हर तरफ परेशानी है इंडिया को बाद में साथ में हम देख लें तो इंडिया वाले किस तरह उनको भाई अब सिर्फ एक ही चीज उनका मुट, उनका विजन ही एक है कि हमने दुनिया में छा जाना छा 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 जाना और और वो वो रहे रहे हैं वो रहे हैं छाना चा कैसे है वो हर सेक्टर को उठा कर ही छाते हैं ना तो हर, हर सेक्टर, सेक्टर को उठा है। रहे हैं किसी एक सेक्टर पे नहीं लगे हुए तो ये बात तो है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पूरा दबंग टाइप इंसान है मतलब ऑन द अदर हैंड हम हमें तो पर्ची मिलती है हम ये और मुझे बड़ा होता है कि यार ये पॉलिटिशियंस कैसे बातें घुमाते हैं ना इस बात में मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है पीएम मोदी की गुड बुक्स में आ गए और पाकिस्तान फर्क भी नहीं पड़ता कुछ भी गए तो किस तरह से वो गुड बुक्स में आए उनके एक पॉडकास्ट में बात करके और ये पाके ही बड़ा मतलब वायरल हुआ हुआ ये क्लिप लेकिन प्रशांत धवन सर ने पूरा कि किस के ये दिशा पे चल रहे हैं। बात की गई दिशा पे चल रहे हैं exactly. चल रहे हैं <laughs> अलग ही दिशा लगी लगी पे चल रहे हैं। है। तो भाई इंडिया की पूरी जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है।, है अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें रिलेशंस की बात करें तो भाई बुरा बेस्ट चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम भी ऐसे ही चले लेकिन हो सकता है हमारी ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए हो सकता है बहुत देर बाद हो बट कभी ना कभी मुझे लगता है होगी पूरी हो जाएगी हम भी किसी ना किसी ट्रैक पे चढ़ जाएंगे लेकिन वीडियो अच्छी थी आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो? और सजेशंस आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और देखते रहें। इनसाइड डायरेक्शन, रिएक्शन टेक केयर